हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम जाएंगे नया राम मंदिर जो बहुत ही सुंदर है, और शारदा पीठ, और साथ में जाएंगे हिंगलाज माता का मंदिर। और ये सारे मंदिर सोमनाथ जी के मंदिर के आसपास ही हैं, लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर ही हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है उन्हें बोलते हैं कामनाथ महादेव। और मंदिर में ही बनी हुई है एक गुफा, और इस मंदिर में है 12 ज्योतिर्लिंग जिनके आप एक साथ दर्शन कीजिए। मंदिर के पीछे से रास्ता जाता है सूर्य मंदिर की ओर। यहाँ पर विराजमान है सूर्य देवता जी और साथ में उनकी पत्नी छाया। और मंदिर के ही बगल में है सूर्य कुंड जिसमें पानी था। और साथ में ही है हिंगलाज माता की गुफा। और हिंगलाज माता जी हैं 5 पांडवों की कुल देवी। गुफा में जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी पतला था, तो देखते हैं, चलते ट्राई करते हैं हम घुस पाते हैं कि नहीं पाते इसमें। गुफा में घुस गए हैं और ये देखिए, ये हिंगलाज माता जी हैं 5 पांडवों की कुल देवी। पांडव जो वनवास के लिए आए थे ना, तब 1 साल वनवास के लिए यहाँ रुके थे। माता जी की तपस्या की थी और स्वयं माता जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। तब से माता जी का ऐसा जोर चलता है यहाँ पर कि 5,000 साल मैंने रुका है। अंदर जाना जितना मुश्किल था, बाहर आना भी उतना ही मुश्किल है, लेकिन आए थे तो माता के दर्शन तो करने बनते हैं भाई। और गुफा में आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, आपको झुक के ही आना पड़ेगा। अगले दिन हम गए राम मंदिर, और एंट्री गेट ही इतना सुंदर है, इसमें धनुष बना हुआ है।
और यहाँ पर विराजमान है हमारे राम, लखन और सीता जी के अद्भुत दर्शन करें, और संग में हनुमान जी, और इधर हैं गणेश जी की मूर्ति भी। और मंदिर को काफ़ी सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, इसमें जो नक्काशी करी हुई है काफ़ी सुंदर लगी मुझे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए थैंक यू।